देखिए, कल एक महिला आयोग की हमारी अध्यक्ष जो मध्य प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष हैं शोभा ओझा जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और राजनीतिक जो अभी प्रचार चल रहा है उसके संबंध में उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य दिया। महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो संवैधानिक अध्यक्ष होता है और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त नहीं हो सकता, ये स्पष्ट इसमें कानून में निर्देशित है। उन्होंने कानून का उल्लंघन करा है, अपने पद का दुरुपयोग करा है, पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। हमने उनके विरुद्ध में या चुनाव आयोग में शिकायत की है कि उनको तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए, चूंकि उन्होंने राजनीतिक वक्तव्य दिए हैं उसके संबंध में हमने शिकायत की। इसी प्रकार हमारे पूर्व विधि मंत्री माननीय पीसी शर्मा जी द्वारा परसों एक टीवी चैनल को वाइट देते हुए उन्होंने हमारी पूर्व वर्तमान मंत्री इमरती देवी जी को पूतना की संज्ञा दे दी है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस बिल्कुल पूरी तरीके से जो उनका स्वभाव भी है और आचार विचार से भी महिलाओं के विरुद्ध उनका क्या व्यवहार है वो स्पष्ट दिख रहा है कि उन्होंने उसको पूतना की संज्ञा दी। उस संबंध में भी हमने शिकायत की है। इसी प्रकार परसों पुनासा में जो माननीय कमलनाथ जी की सभा होना थी उस सभा के दौरान वे वहाँ से 8 किलोमीटर दूर NBDA के गेस्ट हाउस में गए, जो शासकीय गेस्ट हाउस है, और वहाँ गेस्ट हाउस में जाकर उन्होंने चुनावी संबंध में अपनी एक बैठक करी वहाँ के लोकल पार्टी नेताओं के साथ। उस संबंध में हमने शिकायत की, चूँकि वो सरकारी बिल्डिंग थी, सरकारी बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का चुनावी कार्यों का संचालन नहीं किया जा सकता राजनीतिक पार्टी के द्वारा, उस संबंध में हमने एक शिकायत की है। इसी प्रकार कांग्रेस की जो अधिकृत वेबसाइट है उस वेबसाइट से उन्होंने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से जुवेनाइल एक्ट के तहत एक बच्चे को प्रचार करते हुए दिखाया, जो जुवेनाइल एक्ट का उल्लंघन है और बच्चों को उस राजनीति में घसीटना भी एक उल्लंघन है, तो हमने इस संबंध में शिकायत की है। इसी के साथ साथ हमने चुनाव आयोग को एक सुझाव दिया है कि चूँकि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन आई है कि मास्क और सैनिटाइजर से संबंधित जो भी व्यय है वो रैलियों में और सभाओं में वो चुनावी प्रत्याशियों के खाते में डाला जाए, हमारा उनको ये निवेदन है कि चूँकि आज इस कोविड महामारी के चलते हुए मास्क सैनिटाइजर हमारी दिनचर्या का एक पार्ट हो चुका है, तो उसमें जो भी हम लोग जाएंगे सभा में तो वो हमारा मास्क पहनना एक पार्ट है, वो विधिवत भी है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं कि सैनिटाइज का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें। तो अगर उस चुनावी सभा में या रैली में किसी भी प्रत्याशी का फ़ोटो लगा हो, पार्टी का फ़ोटो हो कि उस मास्क पे, तो उस मास्क का पैसा जरूर प्रत्याशी के खाते में जोड़ें, अन्यथा उसको इस चीज़ से एग्जेम्प्ट किया जाए।